7 साल के बाद जिस दिन का था इंतजार, वो घड़ी जो है वो आज है, यानी 8 अप्रैल 2022 को। सब ये कह रहे थे कि प्रेस क्लब के इलेक्शन नहीं हो रहे, फाइनली आज वो तारीख है कि आज प्रेस क्लब के जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ जम्मू की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको विजुअल से बता दूं कि यहाँ पर जो है आज इलेक्शंस की पूरी तैयारी हो चुकी है और टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बदलाव के लिए लोग जो है वो वोट कर रहे हैं और चाहते हैं कि बदलाव हो, और बदलाव के बाद जो है वो कुछ इस तरह से बदलाव हो कि सबको जो है यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन मिले। और यहाँ पर आप देखते हैं कि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, बहुत से यहाँ पर इश्यूज हैं जिनके लिए जो है वो कोई भी यहाँ हमारे साथ रजिंद्र कुमार सर, हम इनसे बात करते हैं। सर, आप मेंबर भी हैं, और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बदलाव के लिए सब चाहते थे कि काफी सालों से बदलाव नहीं हुआ था, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस समय किस तरह का बदलाव जो है वो सब लोग चाहते हैं। देखिये जी, हम पत्रकार साफी जो है हम उनको दूसरा घर यहाँ बना के दे देंगे। पत्रकारिता हर हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा अहम रोल है पत्रकारिता। भाई बंधु, लेडीज, जेंट्स, जो नई जनरेशन है जो जर्नलिज्म में आ रहे हैं, हम उनको सिखाएंगे भी, जो हमारे साथ हो पाएगा वो करेंगे। यू विल फील दैट द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड मैनेजमेंट एंड विद द न्यू मैनेजमेंट। मैं एक फाउंडर मेंबर हूं, मैंने अपनी जर्नलिज्म 1994 में शुरुआत की थी, मैं फाउंडर मेंबर भी हूं इस प्रेस क्लब का। अनफॉर्चुनेटली 7 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए कि लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव डेमोक्रेसी का एक पैरेलल है, इसलिए हम यहां पे कह रहे हैं कि लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक परिवर्तन लाइए इस प्रेस क्लब में। ट्रांसपेरेंसी देखेंगे आप, इसलिए कि आज इलेक्शन हो रहे हैं 7 साल के बाद, दुख हो रहा है कि जब पत्रकार लोग ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा निजाम पूरे देश का। आपसे एक बात यहाँ पर जानना चाहूंगी, यहाँ पर ये कहा जाता है पोर्टल्स के बारे में कि उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी जाती, इसके बारे में मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। देखो, आप पोर्टल जितने भी लोग साफी लोग हैं वो भी हम उनको साफी का रतबा दे देते हैं। अगर जब भी कोई पॉलिसी आ जाएगी, देख लीजिए एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ही पोर्टलों का काम, उनकी रजिस्ट्रेशन, ये हमारे हाथ में नहीं है। बाकी जो फैसिलिटीज आपको चाहिए, वाईफाई चाहिए, बैठने के लिए चाहिए, टॉयलेट चाहिए, हम एश्योर करते हैं आप न्यू जनरेशन को कि ये सुविधाएं आप, अगर माता रानी ने हमें मेहर की, हम अंदर बैठेंगे, यू विल सी एंड यू विल फाइंड आउट ऑल दीज चेंजेस विल बी विद इन 2-3 डेज। सर, एक यहाँ पर सवाल मेरा रहेगा, बहुत लंबा वक्त लग गया 7 साल का, यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हुए, तो क्या जो मेंबर्स थे, जिस तरह से आपने भी कहा फाउंडर मेंबर है, क्या आपने कभी कहा नहीं कि प्रेस क्लब में इलेक्शंस की जरूरत है, यानी चेंज की जरूरत है, बदलाव? देख लीजिए, 7 साल के बाद एजीएम नहीं हुआ, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, कम से कम हम भी किसी को अपना बताते हैं, भाई हमें इस चीज की जरूरत है, हमें उस चीज की जरूरत है, वो इन्होंने किया नहीं है। हम जू ही, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जू ही हम अंदर माता रानी ने मेहर की है, हम पहली एजीएम बुलाएंगे कि भाई आपकी क्या है? क्या चाहते हैं आप, हम प्रेस क्लब से जो हम चुन के आए हैं, आप क्या चाहते हैं, उसके ऊपर गौर किया जाएगा, एंड यू विल सी, यू विल फाइंड आउट इट नेक्स्ट होम आफ्टर द होम। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे व्यूज जो हैं वो भी शेयर किए गए हैं। और रश की बात करते हैं यहाँ पर, आज तो यहाँ पर सब लोग हैं, और तो उसी के साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 10 से लेके जो है वो 5 बजे तक दी गई है, यानी 7 साल में यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो, और बदलाव कुछ इस कदर हो कि यहाँ पर सबको जो है वो मान्यता मिले, और जिस तरह से लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर, क्या कुछ उनकी इच्छाएं हैं, किस तरह की फैसिलिटीज जो है वो चाहते हैं, तो उस तरह की फैसिलिटीज जो है वो उन्हें मिल पाए। तो यहीं पर मैं आपको जम्मू प्रेस क्लब के जो है वो विजुअल्स दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह से बदलाव के लिए वोट हो रहे हैं, और 7 साल का एक लंबा अरसा जो है यहाँ पर लग चुका है, और सामने की मैं आपको वो जो टेंट आपको दिखाई दे रहा है, और वहीं पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो है सब लोग जो है वो बैठे हुए हैं, और यहाँ से जो है यहीं से जो है वो आपको आगे की तरफ जो है वो वोट करने जाना है। और यहाँ पर एक बहुत आज खुशी का माहौल है, और सब लोगों की निगाहें जो है वो भी यहीं पर टिकी है। आखिर
कौन होगा जो जीत कर आएगा और जीतने के बाद किस तरह की पॉलिसीज जो है वो फ्रेम की जाएगी। हालांकि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्रेस क्लब इलेक्शन 2022 की बात करें, यहाँ पर जो है सब चाहते हैं कि बदलाव के लिए वोट किया जाए और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं सब सहाफ़ियों को, यानी जर्नलिस्टों को, रिपोर्टर्स को, वीडियो जर्नलिस्टों को, तो उनकी प्रॉब्लम जिस तरह से यहाँ पर सुनी नहीं जाती, तो हो सकता है कि आज इस तरह से एक यहाँ पर जीत हो सबकी और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर कमेटी फ्रेम की जाए तो उसके बाद में जिस तरह से देखें कि क्या कुछ बदलाव आता है यहाँ पर। और जिस तरह से भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और मैं आपको दिखा भी रही हूँ इस बैनर की ओर आपको लेकर चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर वो तमाम जो लोग हैं उनके फोटोग्राफ जो है यहाँ पर लगाए गए हैं और इसी तरह से आपको उनके बारे में भी जो है हम बताते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए कि कौन कौन यहाँ पर जो है वो कंटेस्ट कर रहा है प्रेस क्लब जम्मू के इलेक्शंस के लिए, और ये इलेक्शंस बहुत अहम है क्योंकि ये इलेक्शंस जो है हर एक जर्नलिस्ट के लिए अहम है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी समस्याएं होती हैं उनकी, उन्हें जो है वो सुना नहीं जाता, कहीं ना कहीं अब जो है उनका छुटकारा होगा। और बदलाव की जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि बदलाव जो है वो बहुत जरूरी है और जरूरी बदलाव के लिए जो है आज चेंज जो है वो होने वाला है। और हमारे साथ रश्मि शर्मा जी हैं जो दैनिक शिफ्ट टाइम से जर्नलिस्ट हैं और जिस तरह से बात करते हैं सबके मुद्दों की आवाज़ भी उठाती है और सबकी आवाज़ बनकर सामने भी आती है, बिल्कुल सबकी आवाज़ उठाती है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कोई ज़रूरतमंद हो, चाहे वो कोई भी हो, उनकी आवाज़ बनकर, मैं ये नहीं कहूँगी आवाज़ उठाती, उनकी खुद की आवाज़ बनकर सामने आती है। तो मैम आपका बहुत वेलकम है और जिस तरह से आप काम करती हैं वो बहुत सराहनीय है। धन्यवाद आयशा, आपका भी और जम्मू बुलेटिन का, आपके व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको देख रहे हैं। आप भी पीछे नहीं है, आप भी बराबरी का काम करती, वैसे ही करते जैसे हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आज जो अहम दिन है उसका आपको भी बहुत इंतजार था सबके साथ साथ, क्योंकि बदलाव जो है हर कोई चाहता था। आशिया इंतजार नहीं था, हमें तो यकीन भी नहीं था कि 7 साल तो हो गए, यहाँ पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, यही बुढ़े हो गए हम, घर पर रिटायरमेंट को चले जाएंगे, पता नहीं इलेक्शन होगा भी नहीं होगा। पर अल्टीमेटली वो दिन आ ही गया, फाइनली आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं। हम उम्मीद जरूर करेंगे 7 साल पहले जो लोग थे जिन्होंने इस चीज की नींव रखी थी, जिन्होंने एक नई दिशा देने का प्रयास किया था, कहीं ना कहीं वक्त के साथ गुजरते गुजरते उन चीजों पर पानी फिर गया, उन नीतियों पर पानी फिर गया। आज भी आपके कैमरामैन से कहेंगे, हम पोर्टल्स को तो कोई पत्रकार मानता ही नहीं, सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा, जितनी भी मीडिया फ्रेटर्निटी है वो एटीएम है जेके बैंक का, वहां हमारी जगह है जनाब, हम आपको वही दर बदर भटकते मिलेंगे। और उसके बाद बंटी भैया की दुकान, वो चाय की दुकान है, पानी हम खरीद के पीते हैं, चाय हम खरीद के पीते हैं, बारिश हो, गर्मी हो, पतझड़ हो, कोई भी हो, आपको हम यही बिन बिनाते मिलेंगे, चक्कर लगाते मिलेंगे। यानी कोई प्रॉपर कहते हैं डिग्निटी, आज हर कोई सवाल उठाता है कि 4 रुपए का माइक उठा लिया, मोबाइल उठाया, पत्रकार बन गए, क्योंकि हमारा कोई सरगना नहीं, हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं, कोई टीम तो बनाई गई पर टीम को लीड किसी ने नहीं किया। हम पत्रकारों से किसी ने नहीं पूछा कि आप लोगों को क्या परेशानी है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लोग हमें पत्रकार मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं मानते, हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। आप अपनी फ्रेटर्निटी के साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो कहाँ ग्रो करेगी वो फ्रेटर्निटी, सबसे बड़ा सवाल ये। पर आज आशिया खुश जरूर है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चेहरे जो सिर्फ हमने सुने थे आज हमारे सामने आए, कि जो पहली टीम थी और जो अब नई टीमें आ रही हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, कि एटलीस्ट ये तो पता चला इन चेहरों ने पहले टीम बनी थी, नए चेहरे अब ये इसमें आ रहे हैं, एडिशन हो रही है, कम से कम इससे हम अवगत हुए हैं। एक सवाल मेरा रहेगा, इन नए चेहरों में कोई महिला क्यों नहीं? हम ही महिला की बराबरी की बात करते हैं, फिर यहाँ पर महिला बराबर पर क्यों नहीं? आपको क्या बोला कि यहाँ पर हमें पत्रकार ही नहीं माना जाता? तो महिलाओं पुरुषों की तो बात ही छोड़ो, ये एक टीम थी, जो टीम पहले थी, हम आज जरूर सवाल करें। कई पत्रकार ऐसे भी जो बड़ी वफादारी दिखा रहे हैं कि पहली टीम ने ये किया, पहली टीम ने वो किया, पहली टीम ने ये किया, फला 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 ब्ला ब्ला ब्ला, और ये भी कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन को धर्म के साथ जोड़ा जाए। शर्म आती है आप लोगों की सोच पर, आप लोगों की मानसिकता पर। यानी अपने परिवार के इलेक्शन को आप किसी और तरह का रंग दे रहे हैं, यानी आप नफरत की दीवार फैला रहे हैं, तो क्या समाज में आप मैसेज देंगे, क्या अपने व्यूवर को मैसेज देंगे? इन चीजों से बाज आ जाइए,
पत्रकारिता करिए, एजेंडा नहीं करिए, और एजेंडा अब हम चलने नहीं देंगे, ये साफ तौर पर हम कह रहे हैं। अगर काम करना अपनी फ्रटर्निटी के लिए करिए, कहीं ना कहीं आपकी डिग्निटी भी उस फ्रटर्निटी के साथ जुड़ी है, जिसे आप हमें मानते ही नहीं है कि हम लोग पोर्टल से या पत्रकार हैं। सबसे बड़ा सवाल है, जो भी टीम जीत कर आए, हम ये निवेदन करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द मीडिया फ्रटर्निटी, उनकी वेलफेयर के लिए काम करें, क्योंकि जब आप उनके लिए काम करें कहीं ना कहीं आपको भी अपना मुकाम जरूर मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले दिनों में, जिस तरह से एक प्रोसेस रहता कि दो साल के बाद इलेक्शन होने, इसकी अब की बार जो भी जीत कर आएगा, अब सात साल का अरसा ना लगे और आने वाले इलेक्शंस में महिलाओं को भी उतना बराबरी का हक मिले। मेंबरशिप हमारे पोर्टल्स की भी होनी चाहिए, ताकि वो लोग भी अपने आप को असुरक्षित ना समझे, उनकी डिग्निटी पर भी अगर कोई सवाल उठाए तो जवाब देने वाले जरूर साथ हों। आशिया जी, बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर महिलाओं को बराबरी की बात करते हैं, बट यहाँ पर हम ही महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं। बट अब आने वाले समय में देखना यह होगा, क्या इन मेंबर्स में कोई महिला भी जो है वो शामिल होगी। तो आज के इलेक्शंस बहुत अहम है, शाम तक जो है वो रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, तो आपको उससे भी अवगत कराएंगे। तो ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशा खान से तलाब।